हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। दोस्तों, भारत में हर साल मिलियंस ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और सभी गवर्नमेंट जॉब्स की साइड इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सभी एक अच्छा अमाउंट सैलरी का लेना चाहते हैं, साथ ही जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं। इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादातर स्किप करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर हमें हाईएस्ट सैलरी किस जॉब के अंदर मिलेगी, वो टॉप मोस्ट जॉब कौन सी है जिसमें सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, भारत में कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स है जो कि हाईएस्ट सैलरी पैकेज रखती है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अपडेट से अप टू डेट रहना चाहते हो तो आप स्टडी सेक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो वी हैव टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स। नंबर 1 इज इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS। इसमें अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको पहले सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना होता है जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है। IFS ऑफिसर जो होता है वो आपको अपना 2/3 ऑफ करियर फॉरेन कंट्रीज में ही बिताता है। फॉरेन में पोस्टिंग के साथ साथ उनको सैलरी प्लस अलाउंसेंस और साथ ही जिस कंट्री में वो पोस्ट होंगे वहाँ का सारा खर्चा भी गवर्नमेंट ही वहन करती है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 4000 से 5500 US डॉलर में होती है। नंबर 2 इज IAS एंड IPS। दोस्तों, इन दोनों पोस्ट के बारे में तो आप जानते ही हो, अगर आप इनके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हो। IAS और IPS सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब होती है। IAS एंड IPS का एंट्री लेवल सैलरी जो है वो 55,000 अलॉन्ग विथ DA होता है। नंबर 3 इज डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड सैलरी एंड पर्क्स मोर देन देयर सिविल काउंटर पार्ट्स। डिफेंस सर्विस की जॉब रिस्क एंड एडवेंचर पर होती है। सर्विस, अगर आप डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हो तो आप NDA, CDS, AFCAT करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिफेंस सर्विस में आपकी एंट्री लेवल सैलरी एट द रैंकिंग ऑफ लेफ्टिनेंट 50,000 से 60,000 प्लस DNS अलाउंसेंस। नंबर 4 इज साइंटिस्ट इंजीनियर इन इसरो, DRDO। जितने भी यंग जनरेशन है जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में है, डेवलपमेंट में है, तो वो ये चूज करते हैं। वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वन मे अर्न हग रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इनका बेसिक सैलरी एट एंट्री लेवल 55,000 से 60,000 होता है। दोस्तों, नंबर 5 पर है RBI ग्रेड B। अगर हम बैंकिंग सर्विस के करियर के अंदर बात करें तो RBI से बेहतर दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है। RBI ग्रेड B इज द बेस्ट पोस्ट टू स्टार्ट बैंकिंग करियर। RBI ग्रेड B ऑफिसर इज नियरली ₹18 लाख पर एनम, यानी कि 18 लाख रुपए पर एनम, और एंट्री लेवल सैलरी इनकी बताएं तो इनमें आपको 67,000 अप्रॉक्स प्लस DA मिलता है। नंबर 6 PSU। जो इंजीनियर्स कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को पसंद नहीं करते वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जाना पसंद करते हैं। PSU जॉब सिक्योरिटी के साथ सैलरी भी अच्छी देता है। एज कंपेरेबल टू प्राइवेट काउंटर पार्ट्स, इनकी इनहैंड सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंसेंस 52,000 रुपये अप्रॉक्स प्लस DA होती है, और साथ ही इनको बाकी अलाउंसेंस भी मिलते हैं। नंबर 7 पर है IFS, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज द बेस्ट जॉब फॉर दोज हु वांट टू स्केप सिटी लाइफस्टाइल, और जो नेचर के पास रहना पसंद करते हैं। इसमें ऑफिसर्स की लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स वाली होती है। इनका भी एंट्री लेवल पे जो है वो 52,000 रुपये अप्रॉक्स प्लस DA होता है। नंबर 8 इज स्टेट सर्विस कमीशन, SSC। इन जॉब्स के लिए एग्जाम UPSC कंडक्ट करवाता है। ये सिविल सर्विस की होती है और इनका पे सैलरी जो है वो 35,000 से 45,000 रुपए तक होता है, और साथ ही इन्हें अलाउंसेंस भी मिलते हैं। नंबर 9 पर आते हैं लेक्चरर्स असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। टीचिंग जॉब इज द मोस्ट पीसफुल जॉब, इट्स प्रोवाइडेड इनफ ऑफ फ्री टाइम, और ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो कि वेकेशंस को भी इंजॉय करवाता है। अगर आप भी सिर्फ कुछ महीनों तक काम करना चाहते हैं और फुल और मस्ती से काम करना चाहते हैं तो, और जिनका इंटरेस्ट साथ ही टीचिंग लाइन में भी हो, तो वो ये कर सकते हैं।
ये भी आपको बेस्ट सैलरी प्रोवाइडेड करवाता है। इसमें सैलरी 40,000 से 1,00,000 रुपए तक हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन योर कॉलेज। 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 पर है ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ASO बी ग्रेड की पोस्ट होती है। इसमें सिलेक्शन SSC CGL के एग्जाम के आधार पर होता है। थ्रू आउट द करियर एंड ASO कैन गेट 6 फॉरेन पोस्टिंग्स, ईच पोस्टिंग हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ देयर ईयर्स। जब इनकी पोस्टिंग फॉरेन में होती है, इनकी सैलरी बिटवीन 1.25 लाख से 1.8 लाख तक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, हमने आज जान लिया कि आखिर टॉप 10 कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जो कि हाईएस्ट सैलरी पैकेज रखती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन सभी में से आपकी फेवरेट जॉब कौन सी है या फिर आप कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई नोटिफिकेशन, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।